हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो सीरीज है विलियम शेक्सपियर के प्लेस की क्या क्या कैटेगरीज हैं। यूजुअली विलियम शेक्सपियर के प्लेस को तीन ही कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कॉमेडी, हिस्ट्री और ट्रेजेडी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे मॉडर्न क्रिटिक्स आए, मॉडर्न फिलोसोफर, मॉडर्न रिसर्चर्स आए या मॉडर्न प्रोफेसर्स आए, इन्होंने विलियम शेक्सपियर को गहराई से पढ़ना स्टार्ट किया। वो ये मानने लगे कि विलियम शेक्सपियर सबसे महान इंग्लिश प्ले राइट्स हैं, तो और भी ज़्यादा रिसर्च के साथ उसे पढ़ना स्टार्ट किया और वक्त के साथ साथ विलियम शेक्सपियर के प्लेस को कुछ और नई कैटेगरीज में बांटा जाने लगा। जैसे कुछ रोमन प्लेज बने, कुछ प्रॉब्लम प्लेज बने, कुछ ट्रेजिक कॉमेडी बने और कुछ मास्क प्लेज बने, तो अलग अलग कैटेगरीज। अब हम 8 कैटेगरीज हैं ये, रोज़ाना 8 दिन तक 8 वीडियोस आएंगी और हर वीडियो में एक कैटेगरी को मैं समझाऊंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रोमन प्लेज कौन से होते हैं, ये वो कौन सी कैटेगरी है और ये वो कौन से प्लेज हैं जो विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेज माने जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्यों माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं लेक्चर और लगातार 8 दिन तक मिलते हैं आपसे। वैसे तो जो शेक्सपियर के एक्सपर्ट्स लोग हैं वो हमेशा एग्री नहीं होते, लेकिन जनरली हम इन 4 प्लेस को रोमन प्लेस कहते हैं। नंबर 1 है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, नंबर 2 है कॉरियोलनस, नंबर 3 है जूलियस सीजर और नंबर 4 है टाइटस एंड्रोनिकस। इन चारों को रोमन प्ले कहने के संदर्भ में भी अलग अलग इश्यूज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो है उसे हम ट्रेजेडी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ रोमियो एंड जूलियट की तरह हीरो और हीरोइन दोनों का एक ट्रेजिक एंड होता है, इसलिए लोग इसे डबल ट्रेजेडी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रेजेडी वर्ड है वो ग्रीक ट्रेजेडी के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीक ट्रेजेडी के रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विलियम शेक्सपियर के दूसरे प्लेज हैं, मैकबेथ एक ट्रेजेडी है ना, उसके जैसे ये प्ले बिल्कुल नहीं नज़र आते। ठीक है, क्योंकि वो मैकबेथ जो है एक तरह से प्योर ट्रेजेडी है, इनमें प्योरिटी की कमी नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं, जो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले है वहाँ पर कुछ ट्रेजिक फीलिंग्स तो हैं जो ऑडियंस को नज़र आती हैं, लेकिन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो है उसका स्ट्रक्चर कॉमिक है, वो कॉमिक स्ट्रक्चर में विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न है इन सारे प्लेज को लेकर, इसीलिए नई नई कैटेगरीज बनती रहती हैं और विलियम शेक्सपियर के प्लेज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता रहता है। अब इन सभी प्लेज को रोमन प्लेज क्यों कहा गया वो हम आगे डिस्कस करते हैं। रोमन प्लेज को रोमन प्लेज क्यों कहा जाता है, ये सवाल अब आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा। रोमन प्लेस को रोमन प्लेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सभी प्लेस की जो सेटिंग है वो एंशंट रोम की है। ठीक, जो विलियम शेक्सपियर हैं वो आपको सीधा एंशंट रोम लेकर जाते हैं, उनके शहरों में लेकर जाते हैं कहानी सुनाने के लिए, और इनके जो सोर्सेज हैं उनकी जड़ें भी रोम से जाकर मिलती हैं। विलियम शेक्सपियर ने इन सभी प्लेस को लिखने के लिए जो सोर्स इस्तेमाल किए हैं, जो स्रोत इस्तेमाल किए हैं, वो या तो रोमन हिस्टोरियंस हैं, प्लूटार्क हैं, या फिर ऐसे रेनेसेंस इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने एंशंट रोम के जो क्लासिक्स हैं, किताबें हैं, उनको पढ़ा और अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया। विलियम शेक्सपियर ने फिर उन्हीं वर्क्स को पढ़ा, वहाँ से आइडियाज़ लिए, उनको अडप्ट किया और रोमन प्लेस को लिखा। रोमन प्लेस की कुछ खासियत और हैं, जैसे इनमें हमेशा लॉयल्टी, वफादारी, वॉर, युद्ध, लव, फ्रेंडशिप और ऑनर की बात होती थी। रोमन प्लेस का एक और बड़ा अच्छा पहलू ये है कि शेक्सपियर के टाइम में जब रोमन प्लेस को स्टेज पर परफॉर्म करवाया जाता था तो जो रोमन कॉस्ट्यूम हुआ करते थे, जो रोमन कपड़े पहना करते थे, वो स्टेज पर एक्टर्स को पहनाया जाता था ताकि लोगों को ये इम्प्रेशन आए कि हम रोम में ही बैठे हुए हैं और रोम के लोग ही स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। ड्रेस
इतना लंबा या इतना इम्पॉर्टेंट इशू भी नहीं रहा है, क्योंकि कभी कभार क्या होता था कि जो नॉर्मल क्लोथिंग होती थी उसी को पहनकर भी कैरेक्टर्स जो थे वो स्टेज पर आ जाते थे, लेकिन फिर भी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखा जाता था कि जो मर्चेंट है वो मर्चेंट जैसा लगे, जो किसान है पीजेंट है वो पीजेंट जैसा लगे, और जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी या जो उच्च वर्ग था रोम का उसको वो थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश करते ही थे। जैसे अगर वो राजा दिखा रहे हैं तो गोल्डन कलर के कपड़े पहनाना उसे, ठीक है, या फिर कोई नोबल फैमिली दिखा रहे हैं तो उसे चमकीले या भड़कीले कपड़ों में दिखाना, ये रोमन प्लेस की खासियत हुआ करती थी जब वो स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे।